हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजी सेल्फ टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, आपने ऑलरेडी थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा। आपको अच्छे से पता होगा आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आपकी बल्ले बल्ले है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से दबा लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे मैं टाइम टाइम पर लाता रहता हूं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार है, टाइम टाइम पर कोई ना कोई नई नई स्कीम्स लेकर के आती रहती है और पब्लिक का फायदा कराती रहती है। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राशन कार्ड होल्डर के बारे में। अगर आप राशन कार्ड होल्डर है, आपके पास अपना राशन कार्ड है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जी हां गाइस, आज की इस वीडियो में मैं राशन कार्ड के बेनिफिट्स बताने वाला हूं। अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है तो वैसे तो राशन कार्ड के ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है राशन कार्ड के 5 बेनिफिट्स जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख लेना कि राशन कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। जी हां गाइस, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 100 पार कर गया है, डीजल भी सेंचुरी मारने वाला है, जबकि सीएनजी डेली बाय डेली उसमें 2-4 रुपए का बढ़ोतरी हो रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। और आपको तो अच्छे से पता है कि जो हमारा एलपीजी गैस है, एलपीजी सिलेंडर है, 900 प्लस हो ही चुका है और वो कभी भी 1000 क्रॉस कर सकता है। लेकिन गाइस, अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है तो अभी तक आपको राशन फ्री में दिया जा रहा होगा। और आपके पास अगर अपना राशन कार्ड नहीं है, अभी तक आपने अपना राशन कार्ड नहीं बनाया है, तब भी जब से कोविड आया है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, तब से सभी को फ्री में राशन दिया जा रहा है। अगर आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड के अस्थाई निवासी है और आप पेट्रोल यूज करते हैं तो 10 लीटर पेट्रोल तक आपको सब्सिडी दिया जाएगा, जिसपे हर लीटर पे 25 रुपए का छूट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से महीने में अगर आप 10 लीटर यूज करते हैं तो 250 रुपए क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। पेट्रोल पंप पर आपको जो भी चार्ज है वो पे करना होगा, लेकिन अगर आप राशन कार्ड होल्डर है तो वो वहां पे दिखाएंगे तो आपको सब्सिडी के तौर पे आपके अकाउंट में 250 रुपए क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने जानकारी दी, आपको बताया, समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे डेली लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।